आता है, ये देखिए जस्ट बॉल्स है, खिलौने। सो टॉयज आर द बेस्ट एजुकेटिंग टू, दिस इज व्हाट वी से। ओके, बच्चे अपने आप खुश हो जाते हैं, इवन बड़े भी। ए वेरी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसमें रिंग मैग्नेट ग्लू किया है। ग्लू कैसे किया है, इनकी नॉर्थ साउथ जो पॉलरिटी होती है रिंग मैग्नेट की, वो सबकी आइडेंटिकल है। ओके, तो इसको यदि मैं इसके पास लाऊं तो इट रिपेल्स, ठीक है, ये उल्टी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है। ओके, ठीक है, ये यहां पर रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो यू कैन सी नाउ देर आर मेनी, अबाउट 10 है, ठीक है। इनको यदि मिला भी दो तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा, दे विल ऑर्गेनाइज देम सेल्फ, ओके, सिमेट्रिकल हो जाएंगे, ठीक है। मैं एक बार रख देता हूं, ये एडिशनल डाला, दे विल नॉट टच ईच अदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कोई भी मटेरियल होता है उसमें एटम्स होते हैं, दे डोंट टच ईच अदर बिकॉज ऑफ द वैन डेर वाल्स फोर्स, राइट, इसलिए हर एक मटेरियल कंप्रेसिबल होता है। ओके, एंड टेम्परेचर दो तो एक्सपैंड होता है। ओके, सो दिस इज ए इक्विलिब्रियम। राइट, सो व्हाट यू फाइंड नाउ, ट्रायंगुलर सिमेट्री। ओके, हेक्सागन अभी नहीं है, थोड़े बहुत निकाल देता हूं। दिस इज ए हेक्सागन सिमेट्री। ओके, ठीक है, हर एक ट्राइंगल 60 डिग्री एंगल रखेगा, ठीक है, और इसमें यदि एक हटा भी दूं, दो हटा दूं, तो भी ये अरेंज हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड पेंटागन सिमेट्री। ऑलराइट, ओके, और चार तो खैर होती है इक्विलिब्रियम, क्यूबिक सिमेट्री, ठीक है, तो दे विल अरेंज इक्विडिस्टेंस अपार्ट, और जो ही पांचवा डालते हैं तो इट इज पुश्ड अवे पेंटागन सिमेट्री के हिसाब से। ओके, और यदि छठा डालें और सातवां डालें, ऑलराइट, तब कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कि ये सेंटर में रहेगा, दो सेंटर में रहेंगे या एक सेंटर में रहेगा। ओके, तो ये इंटरेक्शन यहां ज्यादा है, यहां कम है, तो ये डायनेमिक फॉर्म है, मीन्स रिलैक्स होगा थोड़े टाइम बाद, एंड अल्टीमेटली इट विल बी पुश्ड अवे समवेयर। ओके, अपने बातें करते करते मौका देख लेगा एंड स्लिप हो जाएगा। फास्टर करना है तो एक और एटम डाल दीजिए बीच में, दे आर इक्विवेलेंट टू एटम्स। ओके, तो फट से उसने दो को डिस्प्लेस किया, राइट, तो ये इक्विलिब्रियम बैठा, एक और डाला, तो नाउ इट मे स्टे एट द सेंटर या फिर कहीं गैप होके इट विल पुश्ड, इट विल बी पुश्ड अवे। So this we call it as a atomic configuration. Alright, how do the atom arrange themselves in different solids or liquids? Gases mein toh they follow the kinetic theory of gases and random walk ya Brownian motion hota rehta hai. So they are not organized, but in liquids and solids they are organized. They follow certain configuration. ट्रायंगुलर, क्यूबिक, हेक्सागन या फिर वो ब्रिवियस लेटिसेस होती हैं, 7 क्यूबिक, टेट्रागनल, हेक्सागनल, ऑलराइट, तो 3 डायमेंशनल जो कॉन्फ़िगरेशन हैं वो उस तरह की होती है। ओके, व्हाट वी आर सीइंग इज ओनली 2 डायमेंशनल एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो दिस इज द सिंपलेस्ट मॉडल, वेरी हैंडी, लो कॉस्ट, ठीक है, एंड आप बच्चों से ये कहिए एज ए टीचर कि आप खुद बनाइए इनको एट होम, ठीक है ना, और जो ही आप फेडअप हो जाए उसको यहां ले आइए, डोनेट कर दीजिए, सो डिजाइन योर ओन प्रोजेक्ट एंड ब्रिंग इट हियर वंस यू आर फेडअप।
थोड़े दिन खेल लीजिए और फिर यहाँ दे, ठीक है? तो धीरे धीरे ये इनोवेशन अब इस तरह से ग्रो होने लगेगी, बिकॉज शुरू में ये सब मॉडल मैं अपने घर पे ही रखता था, बैग में रखता था, जहाँ जाता था दिखाता था, अब क्या करना है, ठीक है? कहीं इंस्टीट्यूशन में छोड़िए, बिकॉज इंस्टीट्यूशन में मिनी स्टूडेंट्स हर करें, राइट? और सब ब्लैंक होते हैं, गपशप लड़ाते हैं, तो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट की चीज कहीं देख लेंगे ना, तो दे विल पीप थ्रू दीज विंडोज, क्या यहाँ क्या लगा हुआ है, कलरफुल लगा हुआ है, ओके? एंड दैट गिव्स एडिशनल इंसेंटिव, ठीक है? वो तो